देखो दुख कोई पदार्थ नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर होता दुख कोई सामान होता तो सबसे पहले उसको डब्बे में पैक करके दुश्मन को गिफ्ट में दे करके आते कि ले भैया ये तेरे लिए उपहार है। पर दुख कोई वस्तु है ही नहीं। दुख का कारण हमारी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। हम लोगों से उम्मीद बहुत लगा करके रखते और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो उससे दुख का निर्माण होता है। हर रिश्ते में हमारी उम्मीदें होती हैं। हमारी उम्मीद है ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे और जब वो नहीं करता तो दुख पैदा होता। बस अपनी अपेक्षाएं कम कर लीजिए, दुख अपने आप खत्म हो जाए। पर हमारी अपेक्षाएं खत्म नहीं होती। दूसरा एक दुख का कारण, हमारे जीवन में हमने कांटे बहुत लगा रखे। कांटे मतलब आशाओं के, उम्मीदों के कांटे। अब मान लो कोई आदमी सड़क पे चल रहा है, सड़क पे चलता चलता बोला अरे भैया इस सड़क पे कांटे बहुत हैं, जैसे चलता हूँ एक कांटा चुभता है, फिर चलता हूँ फिर एक कांटा चुभता है। दूसरे आदमी को लगता अरे कहाँ कांटे, हम भी तो चल रहे हैं, हमको तो कोई कांटा ही नहीं लग रहा और तुमको हर कदम कदम पे कांटे लग रहे हैं। इसका कारण क्या है? उसने कहा रुक एक मिनट अपना जूता दिखाना। उसने जूता देखा, उल्टा करके देखा तो कांटे सड़क पर नहीं थे, कांटा कहाँ था? उसके खुद के जूते में घुसा हुआ था। अब जिसके खुद के जूते में कांटा, वो कहीं दुनिया में जाए उसको कांटा ही कांटा लगेगा। हर जगह अगर तुमको निराशा और दुख दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है दुख बाहर नहीं है, दुख तुमने यहां गढ़ा रखा है। इसलिए जहां तुम जाओगे हर जगह तुम्हें निराशा दिखाई देगी, हर जगह तुम्हें दुख दिखाई देगा, क्योंकि कांटा यहां लगा है, दुख का कांटा यहां चुभा है, अपेक्षाओं का कांटा यहां चुभा है, आशाओं का, इच्छाओं का कांटा यहां चुभा है। और वो जब पूरी नहीं होती, आजकल एक रोग बहुत बढ़ रहा है, डिप्रेशन। जिस डिप्रेशन का आज से कुछ समय पहले लोग नाम भी नहीं जानते थे, आज घर घर में बढ़ रहा है। ये होता कैसे, ये भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले भगवद गीता में अर्जुन को बता दिया। भगवान कहते हैं ध्यायतो विष्यान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगासं जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ध्यायतो विषय, जितना विषयी लोगों का संग करोगे, संसारियों का संग करोगे तो तुम्हारे मन में नई नई इच्छाएं पैदा होंगी। उसका घर ऐसा है, मेरा छोटा है, काश वैसा घर बन जाए, लग गया एक कांटा, चुभा एक कांटा। अब जब तक वो उसके जैसा घर ना बन जाए, वो चुभता रहेगा, कुरेदता रहेगा, भीतर से खाता रहेगा। भगवत कृपा से घर बन गया, घर बन गया। अब घर बना शहर से थोड़ा दूर, अब शहर ऑफिस जो है, जो काम जो धंधा है वो ऑफिस शहर में है। अब घर से ऑफिस जाने में बड़ा ऑटो में तो समय लगता, काश अपनी गाड़ी होती, दूसरा कांटा चुभा, दूसरा कांटा लगा, पहला जैसे तैसे निकला था, अब दूसरा चुभ गया, दूसरा निकलेगा, तीसरा चुभ जाएगा, प्रमोशन हो जाए, नौकरी बहुत दिन हो गए करते करते, कांटे चुभते रहते चुभते रहते। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान्पुं संगस्तेषु, संसारियों की संग करोगे इच्छा पैदा होंगी, और जब इच्छा पैदा नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति। और गुस्से से क्या होता है? गुस्से से बुद्धि का नाश होता है, स्मृति का नाश होता है,
ज़्यादा जो गुस्सा करता होगा ना, ये वैज्ञानिक स्तर पे भी जो ज़्यादा गुस्से वाला व्यक्ति होता है उसको चीज़ें कम याद रहती, क्योंकि उसकी स्मृति का नाश धीरे धीरे हो जाता है। वो जो एनर्जी, जो शक्ति, उसका बल है, वो क्रोध में नष्ट हो जाता है। और जब स्मृति का नाश होगा, बुद्धि का नाश होगा, तो व्यक्ति अपने स्तर से गिर जाएगा, उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। अपेक्षाएं, आशाएं, ये दुख का मुख्य कारण, ये खत्म हो जाती है तो अपने आप सुख हो जाता। अब देखो, एक बार क्या हुआ, दो पंडित जी थे, तो पंडित जी एक यजमान के घर भोजन पाने गए। होता है जैसे द्वादशी को उद्यापन, तो गए। अब दोनों पंडित जी जब भोजन करके वापस आए, तो एक पंडित जी बड़े खुश होते हुए, हंसते हुए, क्या बड़ा मजा आ गया। और दूसरे जो पंडित जी थे, उनका मुंह लटका हुआ था। तो एक सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि लगता आप किसी दूसरे यजमान के घर गए हो, ये शायद किसी दूसरे यजमान के घर गए, इसलिए एक खुश है एक दुख। बोले नहीं, एक ही के घर में गए थे। अच्छा, हो सकता है इनको खाने के लिए ज़्यादा अच्छा मिला हो, इनको कम अच्छा मिला हो, इसलिए ये दुखी है ये सुख। बोले नहीं, दोनों को बराबर मिला था, बढ़िया सेम एकदम थाली दोनों की सज के आई थी। अच्छा, फिर ये दुखी, अच्छा हो सकता है, अच्छा चलो भोजन बराबर का सब, दक्षिणा में थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया होगा, इनको लिफाफे में ज़्यादा मिल गया इनको। बोले नहीं, इनको भी 500, इनको भी 500। तो फिर महाराज तुम्हारा मुंह लटका, तुम दुखी और ये सुखी कैसे हो? तो तुम दुखी कैसे हो? बोले हम इसलिए दुखी, हमने सुना था ये शहर के बड़े धनवानी सेठ जी हैं, हमको लगा सेठ जी के इतने धनवानी हैं, इतना नाम है इनका, बड़े दानी में गिने जाते हैं, तो कम से कम 1100 का लिफाफा तो मिलेगा, पर 500 दे दिए, इसलिए हम दुखी हैं। और महाराज जी आप काहे को सुखी हो? बोले हम इसलिए सुखी है कि धनवानी तो खूब है, हमने भी सुना था, पर ये भी सुना था कंजूस एक नंबर के, हमने सोचा था 100 रुपया भी नहीं देंगे, 500 मिल गए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अब देखो, ना तो उसको ज्यादा मिला ना इसको कम मिला, पर उसने उसमें सुख ढूंढ लिया और उसने उसमें दुख ढूंढ लिया। 1100 मिलते तो सुखी होता, ये कराम को 100 की भी उम्मीद नहीं थी इनसे। अब बताओ दुख कहाँ है? अपेक्षाओं में ही तो है, हमारी अपनी जो उम्मीद है उन्हीं में तो दुख है, हमारी बुद्धि में ही तो दुख है। एक आदमी आता है, उसको देख के दूसरा एक आदमी तो इतना खुश हो जाता, आ वाह वाह आप आए, आज तो हमारा दिन बन गया। वहीं एक उसका शत्रु से देखता तो कहता आज तो दिन खराब हो गया। मतलब सुख उस आदमी में नहीं है, दुख उस आदमी में नहीं है, सुख यहां है हमारी अपनी सोच में। तो दुख का कारण भी किसी और को मत बनाया कर, वो आदमी ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं, उस वो तो वैसा है ही, पर असल में हमारी अपनी अपेक्षा हमें दुख देती। इसलिए एक बात समझ लीजिए, भगवान दुख दे या सुख दे, जो भी दे, अगर आपको लगता भी है कि दुख नहीं ये तो होता तो है, ऐसी सोच से कुछ नहीं, दुख अगर आपको लगता भी है तो भी। एक भजन बहुत पहले गाते थे, फिर अब बहुत दिनों से गाया नहीं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, मुझे दोनों हैं पसंद, तेरी धूप और छांव। शब्द बड़े अच्छे हैं, पूरे अभी याद नहीं, बहुत समय हो गया गाए हुए। मुझे दोनों हैं पसंद, तेरी धूप और छांव। बताओ छाया ही छाया रहे अगर दुनिया में 24 घंटा तो जी पाओगे? धूप ही धूप रहे तो भी नहीं जी पाओगे, धूप छाया, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी गर्मी, इन मौसमों के बदलने से ही तो आनंद बदलता है, वैसे ही सुख और दुख है। हे करतार,
फूल भी तेरे हैं तो कांटे भी तो तेरे हैं, फूल फूल ले दो कांटे नहीं दो, ऐसा नहीं। भगवान से कहो जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है, तुझे जो पसंद है मैं तो तेरा खिलौना हूँ, तू जैसे नचाना चाहे वैसे नाचने को मैं तैयार हूँ। करम के पुजारी करम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, पर हम न सुख न दुख चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं, तुमको जो पसंद है हम उसमें राजी हैं। और धन्यवाद देते रहो उनको, सुख दुख की आशा मत रखो। आज वो प्रेस वाले पूछ रहे थे, आजकल साधुओं संतों के पास जाते हैं लोग, बड़ी सारी आशा लेकर के जाते हैं, यही तो परेशानी है। साधुओं के पास जब जब दुख मिटवाने जाओगे ना, धोखा खा के आओगे, मेरा मानना है ऐसा, दुनिया कुछ भी माने, साधुओं के पास अगर दुख दूर कर दे साधु ये इच्छा लेकर के जाओगे ना, तो साधु नहीं मिलेंगे ठग मिलेंगे। साधु के पास जाते हो एक इच्छा लेके जाओ, बस कृष्ण दर्शन लालसा, हे प्रभु हे महाराज जी हमें बस भगवान से मिला दो, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि एक साधु ही है जो आपको भगवान से मिला सकता है, दुनिया के काम और लोग भी बनवा सकते हैं और भगवान तक एक साधु पहुंचा सकते। तुम स्वार्थ लेके जाते क्यों साधुओं के पास, स्वार्थ लेके साधु के पास मत जाइए।